आप सभी को सहयोग संस्थान को मेरा धन्यवाद कि उन्होंने मुझे प्रधान जी पर ओवी जी को भी धन्यवाद उन्होंने मुझे उनसे जोड़ा। आप सभी को शिक्षा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और मैं सभी शिक्षक से शिक्षकों से और स्टूडेंट से निवेदन करता हूँ कि आगे जो अपनी शिक्षा का जो है शिक्षक अच्छे से शिक्षा प्रदान करें और स्टूडेंट रेस्पेक्टफुली उनसे शिक्षा लें। जैसा कि मुझे जो नया टॉपिक दिया गया आज के वेबिनार में नई शिक्षा नीति काफी तो हम उससे स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली शिक्षा नीति होती क्या है? शिक्षा नीति बेसिकली एक विजन डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट अपने देश में जो युवा है उसको जो कैसी शिक्षा देनी है किस तरह की शिक्षा देनी है उसको निर्धारित करने के लिए एक पॉलिसी के तौर पे लाती है। तो लास्ट जो हमारी शिक्षा नीति थी वो 1986 में आई थी और अभी इतने सालों बाद अराउंड 24 ईयर्स से भी ज्यादा हो गए हैं तो 34 ईयर्स आई थिंक तो इतने सालों बाद एक नई शिक्षा नीति लाई है। वो उसके पीछे जो उद्देश्य है गवर्नमेंट का वो ये है कि इतने सालों में जो हमारे समाज में परिवर्तन हुए हैं हमारी जो शिक्षा नीति थी वो उससे मैच नहीं करवा रही थी। अभी नए परिवेश में नए तरीकों की और नए साधनों की संसाधनों की जरूरत थी नई चीजों को एड्रेस करने की जरूरत थी और उसी के लिए नई शिक्षा नीति का अवलोकन किया गया है।